काउंटिंग ऑफ प्लस पिन बार एट स्विंग हाई, जो प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल था शेयर प्राइस का, अनदर फेक आउट एट प्रीवियस हाई, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था उस पे अनदर फेक आउट आना। अब फेक आउट कैसे पता चलेगा? पिन बार, अगर दोबारा उस प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल पे अगर पिन बार बनती है, पिन बार को मैं एक तरीके से कहूँगा शूटिंग स्टार। तो वो अनदर फेक आउट। तो फर्दर मोर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्लेरेशन एंड एक्सेलेरेशन कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड अराउंड द पिन बार। हम पिन बार जब हमें ये दिखेगी तो हम इससे पता चल सकता है कि अब डिक्लेरेशन होने वाला है या एक्सेलेरेशन, या तो ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है या डिक्लेरेशन होना चाहिए। तो शो द ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम द बुलिश टू बेरिश, अगर शेयर प्राइस जो प्रीवियस हाई था इसका अगेन उस पर टच करता है और वहाँ पे ये एक पिन बार बनाता है, तो जो बुलिश ट्रेंड था इसका अब वो चेंज हो चुका है ट्रेंड बेरिश में। इसका चार्ट ऐसा दिखेगा आपको, देखिए राउंडिंग ऑफ प्लस पिन बार एट स्विंग हाई। तो देखिए जो प्रीवियस हाई है इसका, प्रीवियस हाई के आसपास ये डॉटेड लाइन चली है, प्रीवियस रेजिस्टेंस इसका ये है, और ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास जब ये पहुंचा तो यहाँ पे इसने एक पिन बार बनाया, पिन बार, और पिन बार बनने के बाद देखिए ट्रेंड डाउन ट्रेंड बेरिश में चले गया, ट्रेंड रिवर्सल, ब्रेकआउट नहीं आया इसमें। तो ये फेक आउट जो था, अनदर फेक आउट ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट था, फेक, तो समझिए यहाँ पे जो बुलिश ट्रेंड था, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था इसका हाई, उसने कोशिश करी वहाँ तक पहुँचने की, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद इसने एक पिन बार बनाया, पिन बार कैंडल, और आपके डिसीजन को चेंज करा, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल और बेरिश पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया। ये देखिए मैंने एक विप्रो का चार्ट ओपन कराया है, 226 रुपये से लेके अपर ट्रेंड में है शेयर प्राइस, कम से कम 295, 300 रुपये तक, 226 से 300 रुपये तक शेयर प्राइस अपर ट्रेंड में रहा, और जब नेक्स्ट टाइम अपने हाई को वो प्लेस का रेजिस्टेंस बन गया, और नेक्स्ट टाइम जब वो इस हाई को छूने आया शेयर प्राइस, तो देखिए इसने जो है एक पिन बार बनाई, पिन बार, स्ट्रॉन्ग फेक आउट ब्रेकआउट है ये, कि उसने जो है ब्रेकआउट नहीं दिया यहाँ पे अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को, और उसके बाद शेयर प्राइस में मूव देखिए आप, क्योंकि यहाँ पे राउंड ऑफ कर रहा है वो, यहाँ पे इसे बुल सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पे पिन बार बनी है जिससे ये शेयर प्राइस फिर अगेन डाउन ट्रेंड में चले गया। इसका जो अपर ट्रेंड था वो यहाँ से रिवर्सल हो चुका है, और रिवर्सल आने के बाद देखिए शेयर प्राइस डाउन में चले आता है, और 232 रुपये वापस वहीं जहाँ से अपर रैली स्टार्ट हुई थी बुलिश की, वहीं पे ये शेयर प्राइस वापस मूव कर जाता है। तो इस प्राइस एक्शन को काफ़ी समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से शेयर मार्केट में प्राइस एक्शन काम करता है, एक बार दोबारा देखते हैं। विप्रो का शेयर प्राइस अपर ट्रेंड में है, अपर ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग रैली 220 रुपये से, देखिए ये देखिए 300 रुपये तक की रैली, 300 को क्रॉस करने के लिए जब ये शेयर प्राइस दोबारा आता है अपने रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए, तो यहाँ पे एक पिन बार बनती है, पिन बार कैंडल, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, यहाँ पे आके काफ़ी कंसोलिडेट करता है, कुछ कैंडल डोजी बनती हैं, फिर उसके बाद एक पिन बार, क्योंकि ब्रेकआउट देता है तो पिन बार, इमीजिएटली पिन बार यहाँ पे क्लियर सेंटर करते हैं, और उसके बाद देखिए और डबल कंफर्मेशन के लिए आपको एक एनगल्फिंग कैंडल और बनी है बेरिश, तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है शेयर प्राइस में, और अच्छा खासा 220 रुपये तक आ जाता है ये शेयर प्राइस, 230 रुपये तक। तो ये है प्राइस एक्शन, इस प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसे ही मौक़ों पर एंटर करना चाहिए शेयर प्राइस में प्राइस एक्शन के बेसिस पे। अगर आप बीच में मूव करेंगे तो आपका रिस्क रिपोर्ट अच्छा नहीं बनेगा, आपको ऐसे लेवल पे एंटर
करना चाहिए, क्या ट्रेड लेना है, क्या यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है शेयर प्राइस में। अगर आप बीच में एंट्री लेते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बनता शेयर प्राइस का। ऐसे प्राइस एक्शन पे अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनेगा, रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा होगा और प्रॉफिट भी अच्छा होने के चांसेस होते हैं आपको।